हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे को जरूर दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के उपनामों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस व्यक्ति को किस उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा एक से दो प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से बिलोंग करते थे। दोस्तों, यह चीज भी हमें याद रखना है कि कौन सा व्यक्ति कौन से जिले से बिलोंग करता था। चलिए हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास जी उज्जैन से बिलोंग करते थे। इनको भारत का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर को स्वर साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं विजया राजे सिंधिया की। विजया राजे सिंधिया को राजमाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता के नाम से जाना जाता है और इनको देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम बोलते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर, मतलब इनके दो उपनाम है, लोकमाता और देवी। इन दोनों में कन्फ्यूज होते हैं, विजय राजे सिंधिया में और अहिल्याबाई होलकर में, तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना है। विजय राजे सिंधिया को राजमाता के नाम से जानते हैं और अहिल्याबाई होलकर को लोकमाता के नाम से जानते हैं। चलिए हम बात करते हैं पंडित कुंजीलाल दुबे की। पंडित कुंजीलाल दुबे को विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है, मतलब इनका उपनाम क्या है, विधि पुरुष। चलिए हम देखते हैं बाबूलाल गौर जी। बाबूलाल गौर को बुलडोजर मंत्री के नाम से जाना जाता है, मतलब इनका उपनाम क्या है, बुलडोजर मंत्री। हम देखते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह को दिग्गी राजा के उपनाम से जाना जाता है। हम बात करें कुशाभाऊ ठाकरे की, तो कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पित्तपुरुष, जो भारतीय जनता पार्टी है इसका क्या कहलाते हैं, कुशाभाऊ ठाकरे पित्तपुरुष, मतलब कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के पित्तपुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं वर्तमान हमारे सीएम साहब शिवराज सिंह चौहान। इनको पांव पांव भैया के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं। हम बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली की। सैयद मुश्ताक अली को कैप्टन के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि कौन सा व्यक्ति किस जिले से बिलोंग करता था। आप लोगों को दोस्तों बताना है कमेंट बॉक्स में हमें कि सैयद मुश्ताक अली जो थे वो किस जिले से बिलोंग करते थे तथा इनका किस खेल से संबंध था, यह चीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम बात करते हैं रानी अवंतीबाई की। तो रानी अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से जाना जाता है। अवंतीबाई को रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से झांसी में झांसी की रानी ने कार्य किया था, उसी प्रकार से रानी अवंतीबाई ने रामगढ़, जो कि मंडला में पड़ता है, यहां पर भी अच्छे कार्य किए थे। हम देखते हैं राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन को जाना जाता है भगवान रजनीश के नाम से और इन्हीं को कहते हैं हम ओशो। इनके दो उपनाम है, भगवान रजनीश और ओशो। चलिए हम देखते हैं अशोक कुमार, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। अशोक कुमार जो है हमारे, इनको दादा मुनि के उपनाम से जाना जाता है। चलिए हम देखते हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को ताई के नाम से जाना जाता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारी सुमित्रा महाजन, इनको ताई के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके यह बताना है कि सुमित्रा महाजन जो है किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी। चलिए हम देखते हैं शंकर लक्ष्मण। शंकर लक्ष्मण को गोली के उपनाम से जाना जाता है। हम बात करते हैं संत सिंगा जी की। तो संत सिंगा जी को मालवा का कबीर के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको मालवा का कबीर या फिर कहीं कहीं किसी किसी बुक में मिलता है मालवा का कवि, है ना,
तो आपको इतना याद रखना है कि मालवा का कवि, मालवा का कवि या फिर कवि कौन कहलाते हैं, संत सिंगा जी। और दोस्तों यह खंडवा जिले से बिलोंग करते थे, आपको यह चीज भी याद रखना है। और संत सिंगा जी का मेला सभी यहां खंडवा में। फिर हम बात करें बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान के पिताजी वी आर अम्बेडकर, इनको बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, इंदौर के महू जिले से यह बिलोंग करते थे। चलिए हम देखते हैं दामोदर पुरोहित, दामोदर पुरोहित जी को सहकारिता पुरुष के उपनाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें 22 नंबर पे है हमारे अमृतलाल जी बेगड़, इनको नर्मदा पुरुष के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह कलेक्शन मैंने बहुत ही मेहनत करके किया है, किसी भी बुक्स में इतने उपनाम में यहाँ पर टोटल 35 व्यक्तियों के उपनामों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, टोटल 35 उपनाम किसी भी बुक्स में नहीं मिलते हैं। चलिए हम बात करें 23 नंबर पे अनिल काकोड़कर जी हैं, इनको विज्ञान पुरुष के नाम से जाना जाता है, मतलब इनका उपनाम क्या है, विज्ञान पुरुष। यदि हम बात करें मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद किस जिले से बिलोंग करते थे, आप यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए हम बात करते हैं कुमार गंधर्व की, कुमार गंधर्व को जो है संगीत जगत का कबीर, कुमार गंधर्व को संगीत जगत के कबीर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए हम बात करते हैं वृंदावन लाल वर्मा जी की, वृंदालाल वर्मा जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं दोस्तों, इनको जरूर आप पढ़ें। इनको हम करते हैं बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई, वृंदावन लाल जी वर्मा को बुंदेलखंड के चंद्रवरदाई के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं तानसेन जी की, सभी लोग जानते हैं तानसेन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं सभी कहां है, ग्वालियर में है। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। हम बात करें 28 नंबर पे है अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान को सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें कार्तिक राम की, तो कार्तिक राम जो है हमारे, इनको नृत्य सम्राट के उपनाम से सराहा गया है। यदि हम बात करें 30 नंबर पे पाणिनि, पाणिनि को व्याकरणाचार्य के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें 31 नंबर पे हमारे केशवदास जी, केशवदास जी को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत, याद रखना है दोस्तों केशवदास को क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। और एक बात और दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं केशवदास को, इसी प्रकार से कठिन गद्य का प्रेत भी कहते हैं किसी को, आप हमें यह जरूर बताएं कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं कुंवर चैन सिंह, कुंवर चैन सिंह को हम कहते हैं मध्य प्रदेश का मंगल पांडे, कुंवर चैन सिंह को क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। कुंवर चैन सिंह दोस्तों एक्चुअल में क्या थे, भोपाल के निकट नरसिंहगढ़ जो रियासत थी वहां के यह क्या थे, राजकुमार थे। पर यदि इनकी कभी समाधि पूछ ली जाए तो कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ है, सीहोर जिले में। यह फैक्ट हमें याद रखना है कि कुंवर चैन सिंह की समाधि कहाँ है, सीहोर जिले में, और इनको मध्य प्रदेश के मंगल पांडे के उपनाम से जाना जाता है। दोस्तों व्यापम आजकल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नए व्यक्ति हैं, जो ज्यादा फेमस नहीं रहे हैं भारतीय इतिहास में, उनके नामों को भी निकाल के बाहर ला रहा है और वहीं से क्वेश्चन बना रहा है। चलिए तो हम बात करें 33 नंबर पे टंटिया व्हील, टंटिया व्हील या इनको टंटिया मामा व्हील के नाम से जाना जाता था, इनका उपनाम है इंडियन रॉबिन हुड। टंटिया व्हील का उपनाम क्या है, इंडियन रॉबिन हुड। यह खंडवा जिले से बिलोंग करते थे दोस्तों, और यहां पर लिखा है 1857 की क्रांति, मींस इन्होंने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एक शब्द और लिखा है यहां पर गोरिल्ला, मतलब इनको गोरिल्ला युद्ध करने में यह क्या थे, पारंगत थे। कौन थे, टंटिया व्हील जो है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, यह क्या थे, गोरिल्ला युद्ध करने में पारंगत थे। चलिए हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, सभी लोग जानते हैं इनको, चंद्रशेखर आजाद,
इनको शहीद के उपनाम से जाना जाता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद। चलिए हम बात करते हैं 35 नंबर हमारा लास्ट है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी को जाना जाता है आधुनिक चाणक्य के नाम से। तो दोस्तों इनके साथ में आपको यह चीज भी याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध शहर हैं उनका उपनाम क्या है। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारा हर वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक यू दोस्तों।